हर एक सफर में बहुत सारे उतार और चढ़ाव होते हैं। ऐसे ही कुछ उतार चढ़ाव बच्चों की जिंदगी में भी होते हैं जब वो अपना करियर परस्यू करने जाते हैं। कॉमर्स की दुनिया में एक जाना माना करियर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जो अभी अभी बहुत ही उभरता हुआ करियर है, उसमें भी ऐसे ही कुछ उतार चढ़ाव बच्चों की लाइफ में आते हैं। मैं CMA अदिति गंगवानी आज एक रिसेंटली क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछने जा रही हूँ उनके इस करियर में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, तो आज वो आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो आइए मिलते हैं CMA किशन मिश्रा से। इन्होंने अभी अभी अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स क्वालिफाई किया है। हेलो किशन। CMA किशन मिश्रा जो है, अभी अभी जब इंटरव्यू में कैंपस में गए तो उनका प्लेसमेंट एक जानी मानी कंपनी कल्पतरु में हुआ, और इन्हें एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्हें सऊदी अरेबिया भेजा जा रहा है कंपनी की तरफ से, जो हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो आइए पूछते हैं CMA किशन मिश्रा से कि उनके जीवन में CMA कोर्स के दौरान क्या क्या उतार चढ़ाव आए। तो किशन बताइए, उन उतार चढ़ावों से आपने कैसे डील किया? फर्स्ट गुड मॉर्निंग मैम। ऑब्वियसली CMA कोर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट कोर्स है। ये कोर्स हमें करने में बहुत ही कठिनाइयों के साथ गुजरना पड़ता है, लेकिन जब मैं डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट में आया तो यहाँ पर हमारे पास जो एडवांस टीचर्स थे, डॉक्टर संतोष राय, डॉक्टर मिट्टू मैम, CA प्रवीण सर, CA केतन सर, CMA अदिति मैम, तो इन सारे टीचर्स ने इस कोर्स को बहुत ही इजी डिफाइन किया, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर से पढ़ाया गया, जिससे हमें ये कोर्स क्लियर करने में बहुत ही इजी लगा। जब मैं ये कोर्स पढ़ रहा था, जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आया 11th से, मैं 11th से आने के बाद ही मैं मन में था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो डॉक्टर मिट्टू मैम ने वैसे बताया कि तुम CMA कोर्स कर सकते हो, CMA कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही बूमिंग कोर्स है, तो आगे तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं CMA कोर्स में तब मैंने एडमिशन लिया और मैंने अपनी पढ़ाई क्लास 12 से ही CMA के लिए चालू कर दी। क्लास 12 CMA चालू करने के बाद ऑब्वियसली ये कोर्स एक बहुत ही टफ कोर्स है, तो हमें क्लियर करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हुई, मेरे कुछ अटेम्प्ट्स भी लगे, लेकिन कभी भी मेरे गुरु डॉक्टर संतोष राय, डॉक्टर मिट्टू मैम, CA प्रवीण सर, CA दिव्या मैम, CA केतन सर, इन्होंने कभी भी मेरा मोरल डाउन होने नहीं दिया। अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी उन्होंने हमेशा ही मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, आपको कभी भी कोर्स छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया इस पूरे कोर्स के पीरियड में, जैसे कि मेहुल कुमार राणा, सृष्टि, अंजलि, इन्हों की कुछ दोस्त थे, साक्षी, इन्होंने मेरे इस पूरे कोर्स में मेरी हेल्प की, और साथ ही साथ मेरे माता पिता, इन्होंने कभी भी मेरा मोरल डाउन होने नहीं दिया। इस कोर्स के बाद जब मैं कैंपस प्लेसमेंट ले गया तो हम भी बहुत डरे हुए थे कि हम कैसे कैंपस करेंगे, फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके लिए भी हमारे टीचर्स ने, मिट्टू मैम, राय सर, प्रवीण सर, दिव्या मैम, सब ने बहुत हेल्प की कि नहीं, आपको पूरे तरीके से तैयार करके गया कि आप कर सकते हैं, इंटरव्यू आप दे सकते हैं, आपको कोई कठिनाई से गुजरना अकेले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो किशन आपने एक बात बोली कि आपने 12th स्टैंडर्ड से ही अपने CMA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो आप क्या बच्चों के लिए ये बता सकते हैं कि 12th से और 11th से अगर बच्चा अपना प्रोफेशनल कोर्स की प्रिपरेशन शुरू कर देता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं उनको? जी मैम, अगर आप अपनी प्रोफेशनल करियर की पढ़ाई 11th-12th से चालू कर देते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको 11th-12th में तो फ़ायदा मिलता ही है, क्योंकि आप 11th-12th की पढ़ाई के साथ साथ एक एडवांस कोर्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसके आपको फ़ायदे मिलते ही हैं। साथ साथ में आप एग्ज़ाम के इतने पहले से ही आप CMA से एग्ज़ाम्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको हमेशा ही फ़ायदा देगा, उसके नुकसान तो कभी कुछ नहीं हो सकते, इवन आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होगा। एंड किशन, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, एक डाउट होता है, उनके मन में कुछ शंकाएं होती है, जैसे बच्चे कहते हैं कि CMA बन गए, उनको पहले लगता था कि हम CMA बन जाएंगे वहाँ तक हमारी जर्नी अच्छी हो जाएगी, ठीक है उसके बाद तो सब कुछ स्मूथ गो है, बट उसके बाद जब बच्चे इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, इंटरव्यू में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो ध्यान देने वाली होती है, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए और कैंपस के लिए? बिल्कुल, जब आप CMA कोर्स करते हैं तो आपके पास एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आपके पास टीचर्स हैं आपको जो गाइड करेंगे आपको कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको सब चीज़ आपको खुद से ही करनी पड़ती है।
आपको वहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा ये आपको कभी नहीं पता है, वो इंटरव्यू आपसे क्या पूछ सकता है। तो इसके लिए मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ें आप उसको इतने अच्छे बेसिक तरीके से पढ़ाए करें ताकि उससे कुछ भी पूछा जाए तो आपको कभी भी कोई कठिनाई का महसूस ना हो। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के रखेंगे तो आप लिए कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपनी जो पढ़ाई उस पर ग्रेट कमांड रखिए, बस यही कुछ तरीके हैं जिससे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो क्या इंटरव्यू में एकेडमिक्स के अलावा या आपके कोर्स स्ट्रक्चर के अलावा, आपके सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और भी बातें होती हैं जो इंटरव्यूअर स्पेसिफिकली बच्चों में ढूंढता है? जी बिल्कुल, जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जब आप कैंपस में जाएंगे तो वहाँ जितने भी लोग आए सभी CMA हैं, अब वहाँ पे सभी CMA हैं, तो एक चीज़ वो फैक्टर ढूंढते हैं कि ऐसा आप में अलग क्या है जो उन बाकी बच्चों में नहीं है। तो वो चीज़ आती है आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपने जो और भी कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं वो आपको एक एज देता है। जैसे कि मैंने कुछ डिप्लोमास किए हुए थे तो उसका मेरे को फ़ायदा मिला, मैंने कुछ कोर्सेज किए थे, लेकिन ओवरऑल आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट होकर आप वो चीज़ पोर्ट्रे करते हैं, आप कैसे इंटरव्यू के विश्वास दिलाते हैं कि आप इन बाकियों से अलग हैं। और ये चीज़ तभी आ पाएगा जब आपके अंदर उस लेवल का मोटिवेशन हो, उस लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। वो कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब आप लोगों से बात करेंगे, आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तभी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और इस पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी इवन इट्स डॉक्टर संतोष इंस्टीट्यूट ने हमेशा हेल्प की है ताकि आप इस पब्लिक स्पीकिंग को भी आपका ग्रेट कमांड हो, आप इस चीज़ को मैं कभी लैक ना करें। और किशन, हम आपसे एक बहुत ही फनी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसा बच्चे कहते हैं कि इतने हाईफाई कोर्सेज करने के लिए और एडवांस्ड कोर्सेज करने के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए बच्चों को अपनी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, जैसे घूमना फिरना हो गया, दोस्ती यारी हो गई, इन्जॉयमेंट हो गया, फन हो गया। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने CMA कोर्स किया तब क्या आपने ये सारी चीज़ें छोड़ दी कि आपने उनके साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करी? बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बात है कि आपको डेडिकेशन के साथ ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा तभी आप पास कर पाएंगे, लेकिन मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आपको सब चीज़ छोड़ के पढ़ाई करनी चाहिए। बस जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा टाइम आता है तो लास्ट के आपके पास 2-3 महीने बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तब आपको ऑब्वियसली चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तब आप ये नहीं कर सकते कि आपका पढ़ाई बचा हुआ है, आपकी काफ़ी चीज़ बैकलॉग बचे हुए हैं और वो चीज़ छोड़ के आप कहीं घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको हमेशा छोड़ देना है, आप सब कुछ करिए लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। यही एक तरीका है, मैं कह सकता हूँ आपका बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि लाइफ जीना भी ज़रूरी है और साथ साथ में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छी बात हमको यहाँ पे CMA किशन मिश्रा ने बताई। आई होप कि इससे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इंटरव्यू के टिप्स आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे दिए कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, साथ साथ में आप बहुत सारी चीज़ें CMA कोर्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है, बस जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको पढ़ाई पर फोकस्ड रहना है। तो बहुत सारे डाउट्स हमारे बहुत क्लियर हो गए और बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू किशन।